देख रहे हैं आप, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे सबसे पहले दिल्ली से अहम खबर की, जहां दिल्ली में कोचिंग सेंटर में बहुत बड़ा हादसा। कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। दरअसल मरने वालों में 2 छात्राएं और 1 छात्र शामिल है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 शव बरामद किए गए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे की दुखद जानकारी मिली, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की मौत हुई है, जिसमें 2 छात्राएं और 1 छात्र शामिल है। और इस पूरी घटना के बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं दिल्ली की व्यवस्था को लेकर। दिल्ली की बदहाल हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है, यहां जो कि देश के भविष्य नौनिहाल इसकी भेंट चढ़ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन, ये भी एक अहम सवाल है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की ये एक बड़ी दुर्घटना। और एक बार ये तस्वीरें आप देखिए, जहां हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पूरे हादसे की अब जांच होगी। ये हादसा हुआ कैसे, आप ये देखिए, पूरा पानी भरा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। 3 छात्र इसमें डूब गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां कोचिंग सेंटर में बहुत बड़ा हादसा। कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 छात्राएं और 1 छात्र भी शामिल है। आपको बता दें, ये जो तस्वीरें हैं उस बदहाल स्थिति को पूरी तरह से बयां करती हुई, जिसने 3 छात्रों की जिंदगी को निगल लिया, जिसमें 2 छात्राएं और 1 छात्र शामिल है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और पानी निकालने के लिए वहां पर पंप का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बेसमेंट में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। और बढ़ते आगे रुक करेंगे जबलपुर से आ रही अहम खबर का, जहां कटंगी में नाले